बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है ना, वो मैंने अपनी आज आप लोगों के साथ एक तो किचन रूटीन शेयर की है। मेरे किचन में लंच में क्या बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके साथ जो शादी की बारात की मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आप देखें, ये जो शुरू के क्लिप्स हैं ना, इतना कोई आउट क्लास वेदर है UAE में ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कैमरे ने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया, इससे कई ज़्यादा हसीन वेदर है। खैर, बच्चों को ड्रॉप किया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर। और आज मेरा प्लान था कि मैं ना कुछ सब्ज़ी खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसा था कि मुसलसल मटन और चिकन खा कर ना दिल बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और आज मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी आलू मेथी, और बच्चे आलू मेथी नहीं इतने ज़्यादा शौक से खाते हैं, इनफैक्ट हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। एनीवे, मैंने सोचा साथ में थोड़ा सा क्रीमी पास्ता बना लेती हूँ और वो अच्छा रहेगा। एनीवे, यहाँ पर माओं की ये जो इस तरह की जद्दोजहद है ना, वो तो चलती रहती है कि बच्चों ने अगर ये नहीं खाना तो इसका अल्टरनेट क्या बनाया जा सकता है जो कि हेल्दी भी हो और उसके साथ साथ जो है वो और बच्चे पसंद भी करें। खैर, पानी मैंने बॉयल रख दिया है पास्ता बॉयल करने के लिए, और उसके साथ यहाँ पर मैं लेकर आई थी मेथी। और अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं मेथी लेकर आई ना, तो वो इतनी ज़बरदस्त थी ना, इतने अच्छे से बन गई थी और बड़ी जल्दी से काम हो गया था मेरा। लेकिन आज इस मेथी को देख के ना मैं एकदम से परेशान होगी। मैंने आज तक इतनी गंदी यहाँ पर मेथी नहीं देखी, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं जब भी मेथी लेकर आई हूँ वो इतनी साफ़ सुथरी होती है ना कि देख के मुझे इतना अच्छा लगता है और अच्छे से बन भी जाती है। लेकिन ये पता नहीं किस स्टाइल की मेथी थी कि मुझे इसका जैसे हम पाकिस्तान में बनाते थे ना, एक एक पत्ता निकाल निकाल के मुझे इसको काटना पड़ा, और बहुत मेहनत लगी सीरियसली। और मैंने सिर्फ अभी दो बंच ही किए थे, और उसके बाद फिर अम्मी ने मुझे सारी मेथी बना कर दी, और साथ में जो है ना इसको कटिंग बोर्ड पर जल्दी जल्दी से फिर हमने काट लिया, और इस तरह से ये जल्दी बन गई। वरना शायद ये मैं पूरा दिन लेकर बैठी रहती और इसका एक एक पत्ता निकाल निकाल के काटना इतना मुझे मुश्किल लग रहा था ना। तो बस यहाँ पर मैं इसको जल्दी से काटूँ। और ये जो पास में आप मिट्टी के ढेर देख रहे हैं ना, छोटी छोटी सी स्टोन्स थे मिट्टी के बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया है। ट्विस्टेड पास्ता मैं बनाने लगी हूँ, क्रीमी सॉस में बनाऊँगी जो कि पिंक सॉस में बनता है, वाइट एंड रेड दोनों को मिक्स करके। पास्ता को सबसे पहले मैंने ऑयल और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, उसके बाद इसको रिंस कर लिया है, और ऊपर पानी ज़रूर डाल दें अदरवाइज़ ये स्टिक हो जाता है। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें डाला है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और साथ में 2 टेबलस्पून बटर। इन दोनों को मैं अच्छे से मेल्ट करूँगी। ऑयल इसलिए डाला जाता है कि अगर हम अकेला बटर डालें ना तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा ले लिया है, उसको हल्की सी भुनाई करेंगे। और अगर समटाइम ऐसा होता है कि भुनाई की खुशबू अगर आपको नहीं भी आई ना, तो इट्स ओके। जैसे इसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स बनना स्टार्ट होंगे ना, इट्स मीन कि ये अच्छा सा भुन गया है, और इसी स्टेज पे आपने इसमें ऐड कर देना है मिल्क। मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ना 2 बार में दूध ऐड किया था। पहले मैंने इसमें 1 कप तकरीबन ऐड कर दिया था, और उसके बाद दोबारा फिर जब मुझे लगा कि इसकी कंसिस्टेंसी अभी मुझे और ज़्यादा थिन करनी है, रनी सी बनाना था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया था। बस साथ साथ इसको स्टर करते जाएंगे, चम्मच ज़रूर हिलाना है अदरवाइज़ ये इसके लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स, और उसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसमें ऐड करना है चिकन का क्यूब, और चिकन के क्यूब में ऑलरेडी सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसमें फिर नमक जो है ना वो लास्ट में हम लेवल करके डालते हैं। बस ये देखें, जल्दी से झटपट सी मेरी जो क्रीमी सॉस है ना वो रेडी हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक सी सॉस है। किसी भी रेसिपी में वाइट सॉस जहाँ डलती है ना, उस वो इसी तरह की ये उसकी रेसिपी है। और उसके बाद यहाँ मैं बनाने लगी हूँ रेड सॉस, जिसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है, और उसमें मैंने प्याज डाले हैं, हल्का सा उनको सौती किया, साथ में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि उसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद ये मेरे पास चिकन मिन्स है जो कि मैंने 1/2 kg इसमें ऐड कर दिया था, और साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि इसके लम्स ना बने। अदरवाइज़ आप जब मिन्स यूज़ करते हैं ना कीमा किसी चीज़ में, तो जैसे ही उसको हीट लगती है उसके लम्स और गिटलियाँ सी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो पानी डाल के उसको साथ साथ स्मैश करें
तो फिर नहीं बनती है। अब यहाँ पे मैंने साबुत जीरा ऐड किया है, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, साथ में मैंने नमक थोड़ा सा डाल दिया है और हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स भी ऐड कर दिए हैं। ये तमाम मसाले डालकर हम इसको फिर से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। टिल देन ये जो मिन्स है ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। चिकन का कीमा है ना तो बिल्कुल हवा में पक जाएगा, बहुत जल्दी से ये कुक हो जाएगा। और साथ साथ मैंने इसको हिलाती भी रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून भर के पेपरिका पाउडर। इससे इसका कलर जो है ना वो रेड रेड सा बहुत प्यारा सा आ जाएगा। स्मोक पेपरिका इजीली अब हर जगह से मिल जाता है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटो पेस्ट, ये अलैन का मैं यूज़ करती हूँ। 3 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इस वक्त मेरे हाथ में टीस्पून है ना, तो मैं उसी की मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। इसको हल्का सा साथ साथ मैं मिक्स करूँगी। इस वक्त जो फ्लेम है ना वो मेरा बिल्कुल हाई पे है, और साथ ही मैंने एक तरफ चाय रखी हुई थी, हमारी शायद शाम की चाय का टाइम भी हो रहा था तो मैंने एक तरफ वो भी रख दी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ पिज्ज़ा सॉस। इसमें इसी ब्रांड की पास्ता सॉस भी मिलती है, दोनों का सेम टेस्ट होता है। मोस्टली मेरे पास पिज्ज़ा सॉस पड़ी होती है तो मैंने वही इसमें ऐड कर दी है। ये भी डालकर मैं इसको हल्का सा मिक्स करूंगी एंड दैट्स इट। ये मेरी जो रेड सॉस विद चिकन जो है ना वो रेडी हो गया है। अब मैं इस पास्ता की लेयरिंग कर लूंगी। बेसिकली लेयरिंग नहीं है, मिक्सिंग करनी है मुझे। मैंने उसी वोक में जिसमें वाइट सॉस बनाया था उसमें पास्ता ऐड कर दिया है, साथ में ये जो रेड सॉस के साथ मैंने चिकन रेडी किया था वो भी इसमें डाल दिया है। ग्रेजुअली हम इसको मिक्स करेंगे एंड दैट्स इट। हमारा वाइट सॉस क्रीमी पास्ता बिल्कुल रेडी है। और अच्छा, बच्चों के लिए बना रही थी तो ऑफकोर्स मैंने मिर्चें नमक बहुत ज़्यादा लेवल रखा था, अब ज़्यादा नहीं किया था। अगर सिर्फ बड़ों का बनाना हो ना तो फिर आप इसमें जितनी मर्जी चिली फ्लेक्स डाल दें, ग्रीन चिलीज डाल दें, जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे मैंने डाली है 1 कप क्रीम, कुकिंग क्रीम, और ये बिल्कुल ऑप्शनल थी। उसके बाद मैं अब यहाँ पर ये कप में मैंने 1/2 कप पानी गरम लिया था, उसमें 2 चिकन के क्यूब्स ऐड कर दिए हैं और उसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स किया है। पानी में मिक्स करके अगर आप क्यूब डालते हैं ना तो उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से होती है और वो ज़्यादा अच्छा से इन्हांस होता है किसी भी चीज़ में। और यहाँ पर मैंने मोहम्मद के लिए थोड़ा सा फीका सा निकाल लिया है, और बाद में यहाँ पर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे ताकि हम थोड़ा सा स्पाइसी वाला जो है वो इन्जॉय कर सके। चलें जी, यहाँ पर हो गया खाने का टाइम, खाऊंगी मैं इसको मज़े से। इस वक्त मुझे शदीद भूख लग रही थी और मैंने एक सेकंड में इसको चट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं मेथी को ना अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, और वॉश करते हुए यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी इसमें से निकली थी ना, एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैंने मेथी ली वो इतनी ज़्यादा साफ़ थी और इतनी अच्छी वो मुझसे धुल गई थी। एक ही दफ़ा मैंने पानी से निकाली और उसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी, तो मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो रही थी कि इतनी गंदी मेथी कहाँ से आई है। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट जगहों से आती हैं सब्ज़ियाँ और फल, ये देखें बहुत ज़्यादा निकली थी। और इसी तरह मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 बार वॉश किया था, और फिर कहीं जाके जब पानी अच्छी तरह से साफ आया ना तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि अब अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। उसके बाद मैंने इसको नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि इसका कड़वापन जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए, और फिर दोबारा से इसको एक बार साफ़ पानी से मैं निकाल लूँगी। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने दोबारा से ऑयल लिया है तकरीबन 1/2 कप के बराबर। उसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको अच्छा सा मैं फ्राई करूँगी। हल्का सा गोल्डन सा कलर इसमें जैसे ही आएगा तो मैंने इसमें ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा मिक्स किया है, और यहाँ पे पानी डाल के ना इसका अच्छा सा कलर मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद फिर मैं अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी बिल्कुल नॉर्मली वे, जिसमें हम मसाले वगैरह पहले मैं भूनूंगी और बाद में इसमें मेथी बना लूँगी। बस अब इसमें मैंने ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स, साबुत ज़ीरा, सूखा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और इसके अलावा मैं इसमें नमक वगैरह और हल्दी भी डाल दूंगी। और फिर इसको भूनकर मैं इसमें मेथी और पहले आलू मैंने ऐड किए थे ताकि आलू थोड़े से कुक हो जाए इस मसाले में ही अच्छी तरह से, और इसके बाद फिर मेथी ऐड की थी। पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मेथी को ना अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर उसका पानी जो है ना वो ड्राई होने देती हूँ। जब वो आप किसी भी ग्रीन वेजेस को जब कुक करते हैं तो वो एकदम से अपना पानी रिलीज़ कर लेती हैं, और फिर जब उसका अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाए हाई फ्लेम पर, और उसके बाद फिर मैं उसको ऊपर से लिड लगा कर बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देती हूँ ताकि उसकी जो सॉरी उसका जो गलने का प्रोसेस है ना वो भी पूरा हो जाए। और उसमें ही आलू जो है वो भी कुक हो गए थे, और इस तरह से सिंपली मेरी मेथी का सालन बड़े अच्छे से तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोग इसमें पालक या कोई और सब्जी भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह से बिल्कुल सिंपल आलू और मेथी का जो सालन है ना वो पसंद है।
आजकल मेरी रूटीन ना इतनी ज़्यादा बिजी हो रही है ना, मैं कोशिश करके भी किसी एक भी व्लॉग में पूरे दिन की रूटीन ऐड नहीं कर पा रही, क्योंकि इतने ज़्यादा टास्क हैं पूरे दिन में करने के कि एक ही व्लॉग में सारा कुछ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। और इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में मैं आपके साथ, हम लोगों का एक फैमिली बारबेक्यू है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और उसमें मैं जो मैरिनेशन वगैरह तैयार करूँगी वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लास्ट में जब यहाँ पे आलू अच्छी तरह से गल गए थे, मैंने इसमें गरम मसाला, ग्रीन चिलीज़ और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है ना ड्राइड वाली, वो इसमें ऐड कर दी थी। उसका भी बहुत अच्छी तरह से टेस्ट आता है। और बस इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे मेरी मेथी बिल्कुल तैयार है। इसके बाद नेक्स्ट क्लिप में आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ वो है मेरे पाकिस्तान के बारात वाले दिन के। यहाँ पे हम लोग सब रेडी होकर जा रहे थे, मैं और मेरी बहन, हम लोग सेम सैलून से रेडी हो रहे थे। और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया कि मैं बच्चों को अपने साथ ही लेकर जाती थी और वहाँ से उनको सबको रेडी करके लेकर आती थी। यहाँ पर ये है जी मेरे बारात का ड्रेस, मैंने लॉन्ग शर्ट बनाई थी और उसके साथ जो बिल्कुल शर्ट की लेंथ जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ से जो चुनट स्टार्ट होते हैं वो वाला गरारा था मेरा। और बस जी यहाँ पे मैं नेल पेंट वगैरह चेंज कराऊंगी। सबसे पहले उन्होंने मेरी बेस बना दी थी और जो है वो कंटूर वगैरह कर दिया था यहाँ पर, और साथ साथ हेयर स्टाइलिंग चल रही थी। सीन यहाँ बिल्कुल रेडी थी माशाल्लाह से। अच्छा, सैलून का नाम मैं लास्ट व्लॉग में भी बताना भूल गई थी, ये इसका नाम स्पेल है और ये भगवानपुरे में जो उनका मेन बाज़ार है ना वहाँ पर ही अंदर है। और अब उसकी आई थिंक लोकेशन वगैरह चेंज होनी थी, कुछ कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही थी। और इसके अलावा उनके पास यहाँ पर ना ये सारी पेड ज्वेलरी यहाँ पर पड़ी हुई है कि अगर क्लाइंट्स के पास कुछ ऐड करना है तो ये उन्हें पेड ज्वेलरी जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। और आई थिंक ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और मे बी मोस्टली सैलून में ये सब हो। उसके अलावा जी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मेरा पैकेज जो कि मुझे बारात पे मैंने यहाँ पर जो सेट पहनना था वो मैंने लिया था। ये इंस्टाग्राम पर एक पेज है ट्विंकल के नाम से और इनके पास बहुत ही ज़्यादा हसीन तरीन ज्वेलरी है ब्राइडल और नॉर्मल पार्टी वेयर्स की भी। मैंने इनसे ये वाला सेट लिया था जो कि इनका मोस्ट डिमांडिंग ट्रेंडिंग चल रहा था और अभी आपको डिटेल में मैं दिखाऊंगी। फिलहाल मुझे उनको यहाँ पर ये अनबॉक्सिंग की वीडियो भेजनी थी, वो मैं बना रही थी। और बस यहाँ पर ये मेरा झूमर वगैरह जो है वो सेट कर देंगे। इस सेट में ना रिंग थी, नेकलेस, इयर रिंग्स, झूमर और साथ में मांग टीका था। मैंने मांग टीका नहीं कैरी किया था, सिर्फ झूमर लगाया था। और बस जी यहाँ पर ये मेरी फाइनल लुक है। और अच्छा, इस क्लच के बारे में भी सब पूछ रहे थे कि मैंने यहाँ यूई से ही लिया है और ये मैंने शीन से लिया था और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे ये मिला है, लेकिन ये इतना हसीन था ना कि बस इस पे मेरा दिल आ गया था। उसके बाद यहाँ पर ये है जी इस नेकलेस और इस ज्वेलरी का जो क्लोजअप, थोड़ा सा मैंने लेने की कोशिश की थी। सैलून से घर आती यहाँ पर भाई बिल्कुल रेडी था माशाल्लाह से, शेरवानी और कुल्ला उसने पहना था और गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए थे और मोहम्मद साद बिशवाला बना था तो उसने भी सेम शेरवानी पहनी थी घर आकर। और बस यहाँ पर हम बारात देखने के लिए
उसके बाद हुई थी यहाँ पर दूध पिलाई की रस्म, बहुत सारी और भी रस्में हुई थी, रस्ता रुकाई और जो जो दुल्हन वाले करते हैं सभी रस्में हुई थी। लेकिन क्योंकि भाई की शादी थी और मैं कैमरा हाथ में पकड़ के पूरे जो इवेंट है उसका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत कम, बहुत मेन मेन पॉइंट्स पर ही कैमरा अपना उठाया और बाकी सारे टाइम पर शादी इंजॉय की जो कि मुझे करनी थी। तो बस यहाँ पर इन रस्मात के बाद हुई थी रुखसती और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दुल्हन को लेकर हम घर आ गए थे। और आई होप कि आपको ये मेरी चिनी मिनी से जो मिनी ब्लॉग्स हैं ना वो पसंद आ रहे होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें एंड से माशाल्लाह टू सी दिस ब्लॉग। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।